वाओ बेबी, तुम मुझे दुबई ले आए। तुम्हें पता है ना, दुबई में बुर्ज खलीफा में हमारा 2 फ्लोर का अपार्टमेंट है। यस बेबी, यस पता है। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल चैंपियन लेकर आया हूँ। पकड़ो पकड़ो, अपनी आईज क्लोज करो, ये स्पेशली मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। आईज क्लोज रखनी है आपको। हाँ ओके, यस प्लीज हैव अ ड्रिंक टुगेदर, एंजॉय, हैप्पी वैलेंटाइन डे, यस चीयर्स। ओए माँ, ये क्या है मेरी ड्रिंक में? ओ माय गॉड बेबी, डायमंड रिंग। इसका मतलब? इसका मतलब स्वीटी बेबी, आई लव यू सो मच, विल यू मैरी मी? यस बेबी, यस, लव यू बेबी, लव यू टू। लेट्स गो हैव फन टुगेदर। यस। अरे अंकल कहाँ चले गए, जल्दी से सामान पैक कर दो। स्वीटी हम तुमसे आखिरी बार कह रहे हैं, चला जाए यहाँ से, नहीं तो अभी शोर मचा के पिटवा दूंगी तुझे। स्वीटी हम तुमसे प्यार करते हैं, हमसे शादी कर लो ना। ऐसे आ गए मुंह उठाकर, शादी कर लो, ना कोई अंगूठी ना कोई प्रपोज, ऐसे करेगा शादी? अच्छा तो तुम नहीं करोगे हमसे शादी? नहीं। पक्का? हाँ। अब देखो हम कैसे प्रपोज करते हैं तुम्हें, बताओ करोगे हमसे शादी या काट ले हम अपनी नस? तुम्हारे नाम का सुसाइड लेटर लिख कर आए हैं, जेल जाओगी तुम। आ गया ना गरीबों वाली हरकतों पे, चल काट जल्दी, मैं भी देखती हूँ। सोच लो हम सच में काट लेंगे? हाँ हाँ काट काट। हम 3 तक गिनेंगे, 1 2 3, चल जल्दी से काट अब। ठीक है, नहीं कर रहे हम तुम्हें प्रपोज, किसी और लड़की को कर लेंगे, उससे शादी कर लेंगे, नहीं करनी हमें तुमसे शादी। बड़ा आया, प्रपोज तो किया नहीं गया, कलाई तो काटी नहीं गई, शादी करेगा। अरे अंकल कहाँ रह गए, जल्दी से दोनों सामान। हाँ हाँ बेबी, मैं लेती हूँ ना अभी मम्मी से परमिशन, आप चिंता मत करो। ठीक है बाय। हाँ एक काम करती हूँ, मम्मी को झूठ बोल देती हूँ कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ पेरिस, परमिशन भी मिल जाएगी और पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ। अरे मम्मी आप क्या कर रहे थे? अरे कुछ नहीं बेटा, वो मैं बस अपने पुराने डायमंड के जितने भी नेकलेस है ना वो सब बाहर निकाल रही थी अपनी काम वाली को गिफ्ट करने के लिए, वो सब ऐसे ही पड़े हैं, तो सोचा काम वाली को दे देती हूँ सारे। ओ अच्छा, मम्मा मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे, मैं और मेरी फ्रेंड्स पेरिस जा रहे हैं कल शॉपिंग करने के लिए मेरे प्राइवेट जेट से। ओ वाओ वेरी नाइस बेटा, वेरी गुड। वैसे और कौन कौन जा रहा है बेटा आपके साथ? प्रिया, दिव्या और भी बहुत सारे फ्रेंड्स जा रही हैं। अच्छा प्रिया भी जा रही है, फिर तो बेटा मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ शॉपिंग करने पेरिस। क्या? एक मिनट मम्मा कॉल है। हेलो प्रिया, क्या तू नहीं चल पाएगी शॉपिंग के लिए? अच्छा चल ठीक है। मम्मा प्रिया तो नहीं आ रही है शॉपिंग के लिए, एक काम करो आप भी रहने दो। नहीं बेटा अब तो मेरा मन बन गया है, अब तो मम्मा जरूर आपके साथ शॉपिंग करने चलेगी। नहीं मम्मा। क्यों बेटा मजा आया ना? हाँ मजा आया ना, आपने मम्मा से झूठ बोला ना, सच बताओ आपको मम्मा ने कभी किसी चीज के लिए मना किया? नहीं किया ना, फिर आपने मम्मा को झूठ क्यों बोला? चलो अब सच बात बताओ, सच क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ? सॉरी मम्मा, वो कल मैं और रॉकी वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए पेरिस जा रहे थे। वाओ, यू गोइंग टू पेरिस? बेटा यू नो तुम्हारे फादर भी ना मुझे फर्स्ट डेट पर पेरिस ही लेकर गए थे। कुछी मुझी मुझी, रुको रुको, ये लो मेरा ATM कार्ड, ठीक है अच्छे से एंजॉय करना और खूब सारी शॉपिंग करना, और रॉकी को पैसे मत खर्च करने देना, सारा खर्चा तुम्हें ही करना है। ओके गुड गर्ल, लव यू टू मॉम, आप कितने अच्छे हो। एंजॉय बेटा एंजॉय, गो गो गो, लेट हो जाओगी, जाओ जाओ जाओ। हाँ मैं मम्मी चलती हूँ। आजकल की बच्ची भी ना एंजॉय। हाँ बाबू बस निकल ही रही हूँ माँ को एक्स्ट्रा क्लास का बोलकर। हाँ हाँ दूसरी ड्रेस भी रख ली है मैंने। चलो निकलती हूँ अब मैं, माँ को भी बहाना लगाना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है रखो रखो, मिलती हूँ थोड़ी देर में। माँ मैं जा रही हूँ एक्स्ट्रा क्लास के लिए।
ओ महारानी कहाँ चली? वो माँ मेरी एक्स्ट्रा क्लास है ना, उसी के लिए जा रही हूँ मैं। अच्छा एक्स्ट्रा क्लास, वो भी वैलेंटाइन डे के दिन। वो माँ पेपर आ रहे हैं ना और सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए सर ने एक्स्ट्रा क्लास रखी आज। ठीक है मैं निकलती हूँ। एक मिनट, ऐसी भी क्या जल्दी, जरा अपना बैग खोल कर दिखा। नहीं नहीं माँ। मैंने कहा ना बैग खोल कर दिखा, मतलब दिखा। ऐसे नहीं मानेगी है, अभी रुक जरा, हाथ लग। ओहो हो हो हो, तो ये चल रही है तेरी एक्स्ट्रा क्लास। एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है? नहीं सॉरी मम्मी। सॉरी की बात नहीं मम्मी। जल्दी से जाके कपड़े बदल के घर में झाड़ू पोछा कर ले। एक्स्ट्रा क्लास। हेलो पापू, मैं नहीं आ रही। बेबी सुनो ना, लास्ट ईयर हम दुबई गए थे वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए, इस साल हम कहाँ जाएंगे? अरे बेबी आप बताओ ना, इस साल आप वैलेंटाइन डे कहाँ सेलिब्रेट करना चाहती हो? इस साल हम चलते हैं पेरिस, वो भी मेरे प्राइवेट एरोप्लेन से, और फिर वहाँ जाके आईफिल टावर के नीचे कैंडल लाइट डिनर, वाव मजा आ जाएगा। और आप मुझे बहुत सारे गिफ्ट देना, इससे हमारा वैलेंटाइन और भी स्पेशल हो जाएगा। ये ठीक है बेबी, मैं तुम्हें कल मिलता हूँ तुम्हारे पर्सनल एयरपोर्ट पर, फिर वहाँ से हम उड़ जाएंगे पेरिस। मैं भी जल्दी से जाके ना पैकिंग वगैरह कर लेता हूँ, अपना पासपोर्ट वगैरह रेडी कर लेता हूँ। ठीक है मिलते हैं कल, बाय बाय, लव यू लव यू। मैं भी पैकिंग कर लेती हूँ। बाबू मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, जब मैं घर पे होती हूँ तो फोन मत किया करो, मम्मी जगी रहती है दिन में। स्वीटी आई मम्मी। ओए माँ देखा मम्मी बुला रही है। अरे लेकिन बेबी हम तो तुम्हारे साथ वैलेंटाइन डे का प्लान बनाने के लिए फोन किए थे। वैलेंटाइन डे, पागल हो गए हो क्या, हमें नहीं जाना कहीं। अरे लेकिन बाबू मैंने तो जुलुलु ढाबे पर अपनी एक टेबल बुक करा दी है कैंडल लाइट डिनर करने के लिए, वहाँ बैठेंगे और रोमांटिक डिनर करेंगे। जुलुलु ढाबा, अरे तुम पागल हो गए हो क्या, वो ढाबा मेरे ताऊजी के दोस्त का है, अगर उन्होंने देख लिया ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। अच्छा फिर शनि बाजार चलते हैं, कुछ खरीद लेंगे वहाँ से। शनि बाजार, तुम पागल हो गए हो क्या, वो बाजार मेरी मौसी के घर के सामने लगता है, अगर उन्होंने देख लिया ना तो बहुत पिटाई होगी। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं चिड़ियाघर चलते हैं। क्या चिड़ियाघर? नहीं 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 नहीं, वहाँ तो बिल्कुल नहीं जा सकते, मेरे एक चाचा बंद है वहाँ पिंजरे में। अच्छा एक काम करो फिर तुम ही बता दो क्या करें वैलेंटाइन डे पर। एक काम करते हैं पार्क में मिल लेते हैं, वो स्कूल के पास है ना पार्क, वहाँ मिलते हैं और दूर दूर खड़े रहेंगे, किसी को शक भी नहीं होगा और वैलेंटाइन डे मना लेंगे। पार्क स्वीटी। अच्छा रखती हूँ, मम्मी बुला रही है, बाय। अरे लेकिन बाबू सुनो तो। और मेरे गिफ्ट। अरे बेबी बताओ ना आपको इस वैलेंटाइन डे पर क्या गिफ्ट चाहिए? इसका मतलब तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आए, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। वाओ बेबी, डायमंड नेकलेस। हाँ बेबी, और ये कोई ऐसा वैसा डायमंड नहीं है, दुनिया का सबसे महंगा डायमंड है, ये मैंने एस्ट्रोनॉट से आसमान से मंगवाया बोलकर, और ये पूरे 150 करोड़ रुपए का है। वाओ बेबी थैंक यू सो मच। अरे बेबी थैंक यू की कोई बात नहीं है, और ये तो कुछ भी नहीं है, ये लो चाबी। चाबी? लेकिन ये किस चीज की है? अरे बेबी आप हमेशा कंफ्यूज रहते थे ना कौन सी गाड़ी की कौन सी चाबी है, तो बाहर आपके लिए 7 गाड़ियां और 7 एरोप्लेन खड़े हैं, और उन सब की चाबी सिर्फ एक है और वो है ये। वाओ थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग गिफ्ट। लेकिन 7 गाड़ियां और
साथ ही एरोप्लेन क्यों? अरे बेबी, हफ्ते में 7 दिन होते हैं और आप 7 दिन अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हो, तो मैं आपके लिए 7 अलग अलग कलर की गाड़ियाँ और 7 अलग अलग कलर के एरोप्लेन गिफ्ट लेकर आया हूँ। वाओ बेबी, थैंक यू सो मच। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे बाबू। ये क्या, खाली हाथ आ गए हो? ना कोई गिफ्ट ना कुछ। अरे नहीं बाबू, खाली हाथ थोड़ी ना आया हूँ, आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। आपको याद है उस दिन हम मॉल में गए थे? हाँ। और आपको उस मॉल में 5 लाख रुपए की ड्रेस पसंद आई थी, चॉकलेट कलर की। हाँ हाँ बाबू, याद है याद है। हाँ तो बस मैं उसी कलर की आपके लिए 5 रुपए की चॉकलेट लेकर आया हूँ। हैप्पी वैलेंटाइन डे। 5 लाख रुपए की ड्रेस के सपने दिखाकर 5 रुपए की चॉकलेट में निपटा रहे, तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे बेबी सुनो तो सही, एक और गिफ्ट लाया हूँ, वो तो बड़ा गिफ्ट है। ऐसा गिफ्ट है जिसे आप 24 घंटे अपने पास रखोगे। अच्छा, ऐसा क्या है? आपको याद है उस दिन हम कार के शोरूम में गए थे कार देखने के लिए, और वहाँ पर एक येलो कलर की कार थी, और मैंने बोला था कि एक दिन हम ये कार जरूर ले लेंगे। याद आ गया याद आ गया, फाइनली आप मेरे लिए वो कार ले आए। अरे कार जब लेंगे जब लेंगे, लेकिन कार में रखने के लिए उसी कलर का टेडी बियर ले आया हूँ मैं। वैलेंटाइन डे का तो पता नहीं, लेकिन आज तेरा स्लैब भी तो मैं ही बना दूंगी। झूठे सपने दिखाता है रुक तेरी तो। अरे बेबी ले लेंगे कार भी, क्यों मार रही हो? अरे अरे सॉरी ना। अरे बेबी लिसन टू मी, शी इज जस्ट माय फ्रेंड, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। शी डोंट टॉक टू मी, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। माना कि हम इतने अमीर है कि दीपिका पादुकोण और आलिया जैसी बड़ी बड़ी हीरोइंस हमारी दोस्त है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उनके पिक्चर लाइक करोगे। अरे बेबी मैंने जानबूझकर लाइक बिल्कुल भी नहीं किया, गलती से उसकी पिक्चर लाइक हो गई। नहीं मैं अभी भी नाराज हूँ। लेकिन बेबी अब क्यों नाराज हो आप? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे चांद पे प्लॉट लेके दोगे जिसपे हम नासा का रॉकेट लेके जाएंगे और फिर वहाँ पे कैंडल लाइट डिनर करेंगे, लेकिन तुम मुझे यहाँ लेके आ गए हो इस रेगिस्तान में जहाँ पानी तक नहीं मिलता है। ओफो बेबी इतनी सी बात, ऑलरेडी मैं तुम्हारे लिए चांद पर प्लॉट खरीद चुका हूँ, वो नासा के रॉकेट में पेट्रोल खत्म हो गया था, बस इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया हूँ। अच्छा, और यहाँ रेगिस्तान में क्यों ले आए? अरे बेबी क्योंकि यहाँ पर हम अपने लिए अपना पर्सनल पेट्रोल का कुआं खरीदने आए हैं। क्या? हाँ। नहीं मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ अपने प्राइवेट प्लेन में बैठकर। अरे अरे बेबी सुनो तो। अरे अरे बेबी सुनो तो प्लीज बेबी। चल रही है और मुझे कह रहे थे बाबू मेरे ताऊजी की डेथ हो गई है, बाद में बात करता हूँ। बेबी तुम यहाँ, मैं तो वो। अच्छा मुझसे झूठ बोलता है, ताऊजी की डेथ हो गई ना बेबी। अच्छा कहाँ है ताऊजी? उनकी तो डेथ हो गई ना बेबी। अच्छा और अस्थियाँ? वो तो भा दी हमने, अब ताऊजी को नाली से छान छान कर निकालना पड़ेगा। ताऊजी, ये ताऊजी की आत्मा फोन कर रही है तुम्हें। बेबी वो फोन उठा और स्पीकर पर डाल, मैं भी देखूं आत्मा कैसी सुनाई देती है। हाय बेबी कैसे हो? वो तुम्हारी चुड़ैल गर्लफ्रेंड तो नहीं आई ना? मैं तो कह रही हूँ आज वैलेंटाइन डे है, दोनों डेट पर चलते हैं। अच्छा तो ये है ताऊजी। तेरे ताऊजी का तो पता नहीं, लेकिन तेरी अस्थियों का विसर्जन आज मैं करूंगी, रुक तू। Hey guys, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मेरी तरफ से आप लोगों को हैप्पी वैलेंटाइन डे, बाय।